वी आर इन द बिजनेस एंड द टूर्नामेंट, सीएसके एंड किंग्स 11 की लास्ट लीग गेम है आज, मगर आपकी ये लास्ट चांस नहीं है टू विन बिग ऑन फैंटेसी क्रिकेट, बट उसके लिए ये वाला वीडियो फैन प्लेस फैंटेसी बाइट्स का ध्यान से देखिए। इट्स फास्ट, इट्स एक्यूरेट एंड इट्स इंपॉर्टेंट। हेड टू हेड चेन्नई 49 से किंग्स 11 से आगे है, पिछली 10 गेम्स में भी 6-4 से लीड करता है, पिछली 5 गेम में 3-2 से आगे है वर्सेस किंग्स 11। पिछले सीजन दोनों टीम्स ने एक एक मैच जीता और इस सीजन अर्लियर चेन्नई ने 10 विकेट से किंग्स 11 को हराया था थैंक्स टू डुप्लेसी एंड वॉटसन की फैबुलस इनिंग्स। इस आईपीएल में ये किंग्स 11 का लास्ट मैच है, किंग्स 11 हैव टू विन दिस मैच एंड प्रे कि सनराइजर्स अपना लास्ट मैच हारे एंड राजस्थान और केकेआर के बीच का मैच एक क्लोज इनकाउंटर रहे। चेन्नई सुपर किंग्स लास्ट प्लेस पे बैठी है बट अब सिर्फ मेनली अपनी प्राइड के लिए खेल रही है। इन दोनों टीम्स के बीच हाईएस्ट है 240/5 बाय सीएसके इन 2008 एंड लोएस्ट है 92/8 किंग्स 11 इन 2009। हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड पे है 225 एंड लोएस्ट स्कोर है 70 ऑल आउट। हाईएस्ट रन चेज इस ग्राउंड पे किंग्स 11 की ही है वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स 206 की एंड लोएस्ट डिफेंड कितने हुए हैं 114 रन बाय यूएई। सबसे ज्यादा रन किसके हैं इन दोनों टीम्स के बीच, नो सरप्राइज दैट केएल राहुल विद 233 रन एंड दूसरी तरफ एमएस धोनी जो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म रहा है इस सीजन विद 525 रन फॉर सीएसके। मोस्ट विकेट्स रवि जडेजा ऑन वन एंड विद 9 विकेट्स फॉर सीएसके वर्सेस किंग्स 11 एंड मोहम्मद शमी विद 5 विकेट्स फॉर किंग्स 11 इज देयर लीडिंग विकेट टेकर अगेंस्ट सीएसके। अब और इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं विच इज द ग्राउंड रिपोर्ट। अबू धाबी में एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 164 रहा है एंड सेकंड इनिंग्स 151। बैट फर्स्ट वर्सेज बॉल फर्स्ट में बॉल फर्स्ट की 10-8 से एडवांटेज है सीजन एंड इवन अगर आप लास्ट 6 गेम्स देखें 5 of those games have been won by the team chasing. Pacers यहाँ पे better करते हैं, double the amount of wickets than spinners and Kings 11 अपने सारे 3 matches इस ground पे हारी है और Chennai Super Kings एक जीती है और 2 match इस ground पे हारी है। काफी pleasant day होएगा, it'll be sunny but 27 or 29 degrees के बीच में temperature रहेगा और ये जो pitch है it is not that slow compared to the other pitches. Early on specially inside the power play the ball comes onto the bat very nice. It's best to bat then. मगर यहाँ पे Pacers को भी pitch से थोड़ी परचेज मिलती है एंड दैट्स व्हाई दे पिक विकेट्स हियर। थोड़ी सी टू पेस यस एज द गेम गोज ऑन हो जाती है, बाउंड्रीज बढ़ी है तो स्पिनर्स बॉल स्लो कर सकते हैं, यहाँ पे ड्यू आनी नहीं है सो विकेट ओनली विल गेट स्लोअर इन द सेकंड इनिंग्स। एंड जैसे मैंने बोला कि 5 आउट ऑफ द लास्ट 6 गेम्स टीम चेजिंग फर्स्ट जीती है बट दैट हैज बीन मेनली ड्यू टू द ड्यू। जब डे गेम्स होती है इस ग्राउंड पे 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स द टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है एंड आई ऑनेस्टली फील कि आज दोनों कैप्टन्स माइट वांट टू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। स्क्वाड देखा जाए तो किंग्स 11 विल गो इन विद द सेम 11, ओनली मयंक अग्रवाल अगर फिट है ऑफ कोर्स ही विल कम इन फॉर गोल्डन डक मनदीप सिंह। सीएसके के लिए फाफ डुप्लेसी शुड कम इन फॉर वॉटसन बिकॉज डुप्लेसी हैज एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड वर्सेस किंग्स 11 एंड बिकॉज किंग्स 11 के पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं सो मे बी करण शर्मा की जगह आप एक मीडियम पेसर शार्दुल ठाकुर को ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैच फैक्ट्स, डुप्लेसी डज वेरी वेल वर्सेज शमी, 57 रन सिर्फ 29 बॉल्स में, आउट नहीं कर पाया शमी उसको। मैक्सवेल वर्सेज जडेजा देखा जाए तो मैक्सवेल हैज 58 रन इन 44 बॉल्स वर्सेज जडेजा बट जडेजा हैज गॉट हिम आउट 5 टाइम्स। राहुल का देखा जाए स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, रन्स तो बहुत आए हैं मगर इनसाइड द पावर प्ले ओनली 124 का स्ट्राइक रेट, इन द मिडिल ओवर्स ओनली 122 का स्ट्राइक रेट एंड अगर डेथ ओवर्स तक रह जाता है तो 189 का स्ट्राइक रेट पहुंच जाता है। सैम करन हैज बीन द गोल्डन बॉय फॉर चेन्नई, ही नीड्स 14 मोर रन्स टू मेक इट 200 रन्स एंड 10 विकेट्स इन दिस सीजन फॉर देम, ही विल ओनली बी द फोर्थ प्लेयर टू डू सो फॉर सीएसके। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस कौन है, जडेजा नॉट विद द बॉल बट विद द बैट हैज द सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट दिस सीजन ओनली आफ्टर हार्दिक पांड्या। राहुल के 350s है इन द लास्ट 7 इनिंग्स वर्सेस सीएसके एंड जैसे मैंने बोला डुप्लेसी अच्छा करता है 650s इन द लास्ट 9 इनिंग्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब सो दे शुड लुक टू गेट हिम इन। कैप्टन वाइज कैप्टन ऑप्शंस आपके कौन है, अगर वॉटसन खेलता है तो वॉटसन, नहीं तो डुप्लेसी, देन देयर इज अंबती रायडू, ऑफ कोर्स देयर इज केएल राहुल एंड 99 पे जो आउट हुआ पिछली गेम में क्रिस गेल। वाइस कैप्टन ऑप्शंस में ऋतुराज गायकवाड रियली इंप्रेस्ड विद हिज स्ट्रोक प्ले, रवि जडेजा एक विकेट भी ले ले एंड अगर 30-40 रन्स मार ले ही इज अ ग्रेट पिक, निकोलस पूरन इज अ मैन हु हिट्स द बिग सिक्सेस एंड लुंगी नगीडी बिकॉज डेथ में ये हमेशा विकेट्स लेता है। मेरे परफॉर्मर प्रेडिक्शंस, अंबती रायडू इज हिट सम गुड फॉर्म लेटली एंड लुंगी नगीडी फॉर सीएसके विद बैट एंड बॉल, नो सरप्राइजेस केएल राहुल विद द बैट एंड मोहम्मद शमी विद द बॉल। आज का मगर पंट पिक, आई फील सैम करन विल पिक सम विकेट्स इन द डेथ एंड मे बी hit a few runs with the bat as well and dusri taraf it is Nicholas Puran, both have really impressed this season
बट मेरा विनर प्रेडिक्शन, आई एम गोइंग फॉर अ किंग्स 11 पंजाब विन टुडे। आप लोग बोलिए आपको कौन लगता है कौन जीतेगा आज का मैच। ये एक अच्छी, बहुत अच्छी सेफ फैंटेसी टीम है आप लोगों के लिए। किंग्स 11 की बैटिंग अच्छे से कवर की है विद राहुल, पूरन, गेल एंड मनदीप सिंह। दूसरी तरफ आई हैव राइडू, गायकवाड हु इज इंप्रेस्ड सो मच, सैम करन एंड रविंद्र जडेजा, नगीडी और जॉर्डन जो डेथ में विकेट्स लेते हैं, एंड आई हैव मोहम्मद शमी। इसी टीम से एक और टीम निकाली जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जडेजा की जगह सैंटनर को ले सकते हैं, क्रिस जॉर्डन की जगह मुरुगन अश्विन या अर्शदीप सिंह को ले सकते हैं, एंड देन मनदीप सिंह की जगह शेन वॉटसन को भी ला सकते हैं। एंड अगर आपको फाइव डुप्लेसी को लाना है देन सैम करन को बाहर छोड़ के सैंटनर को लेके दूसरी सारी सेम चेंजेस कर देना। बट दोस्तों फॉर मोर हेड टू हेड एंड जीएल टीम्स आप लोग प्लीज 3 PM ट्यून इन जरूर करना ऑन फैन ब्लेज टिकटॉक लाइव, जहां हम आपको टॉस, स्क्वाड्स और पिच रिपोर्ट के बाद बेस्ट टीम्स देते हैं। आई सी यू गाइस देयर, गुड बाय एंड गुड लक।